हाय गाइस, कैसे हैं आप लोगों? यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कहीं जा रही हूँ, और तो मैं जा रही हूँ अपनी ननद के यहाँ, छोटी वाली ननद के यहाँ, मुनि दीदी के यहाँ। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मुनि दीदी कौन है। तो मैं उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ, और मेरे साथ सिर्फ रियान से, मेरे हस्बैंड नहीं, क्योंकि उनका ड्यूटी है, उनको छुट्टी नहीं है। और यहाँ पर मैं घर पहुँच चुकी हूँ। सो चलिए पहले मैं जीजा जी को प्रणाम कर लेती हूँ, एंड उसके बाद दीदी को, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पर रियांश को मैंने फ्रेश कर दिया, और दीदी रियांश को दिए स्वीट्स खाने के लिए, और इसके लिए लंच बना रही है। और यहाँ पर दीदी रियांश के लिए लंच निकाल रही है, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे। और दीदी बना रही है रियांश के लिए पूरी, और मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे गाढ़ी लगती है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो रियांश को मैंने फ्रेश वगैरह कर दिया, दीदी यहाँ पे उसको लंच करा रही है, और मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। तो यहाँ पे लंच में दीदी रियांश के लिए कचौड़ी बनाई थी, और साथ में सब्जी थी कटहल आलू की, और भी ढेर सारी सब्जी थी, लेकिन रियांश वो सब्जी नहीं खाता है, तो वो सिंपल पूरी आलू खा रहा है, और साथ में स्वीट्स है। मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और अभी जस्ट मैंने शावर लिया, फ्रेश हो चुकी हूँ, रियांश को मैंने फ्रेश कर दिया, और थोड़ी देर के बाद मैंने लंच किया, जिसमें था पूरी, कचौड़ी, चावल, और ढेर सारी मैंने सब्जी ली थी, साग था, कटहल आलू की सब्जी थी, कचू कोफ्ता की सब्जी थी, और एक भाजी थी, मिक्स वेज था। तो और उसके बाद फिर हम लोग रेडी वगैरह होकर यहाँ हम लोग मेला गए थे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ मेला लगा हुआ था। तो यहाँ मेला का कुछ लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने कुछ दिन पहले अपने टाउन का, मत्स्यगंधा का मेला का कुछ व्यूज़ आपसे शेयर की थी, और यहाँ का मेला का कुछ मैं व्यूज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। Thank you.
सो गाइस मेला से हम लोग निकल चुके हैं। एक्चुअली मेला बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इतनी भीड़ थी ना कि हम लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। सो हम लोग सोचे कि बहुत हो गया। एक्चुअली सब जगह का मेला ना रियल बताऊँ तो एक ही टाइप का होता है, कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग बोले कि अब रात हो रही है चला जाए। और यहाँ पे फिर हम लोग मेला से निकलने के बाद यहाँ पे हम लोग ने लस्सी पिया और किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिया, और मेला में हम लोग बहुत सारा चीज़ खाए भी, लेकिन मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और मुझे ना डर लग रहा था कि मेरे हाथ से मोबाइल गिर ना जाए या कोई छीन कर भाग ना जाए, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा चोरी होती है जैसा कि आप लोग को पता है, और मतलब छीना झपटी ज़्यादा होती है। और यहाँ रास्ते में ये एक होटल है, उसका व्यू था, शादी थी तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, तो मैंने छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया। और यहाँ हम लोग घर पहुँच चुके हैं, सो अब हम लोग फ्रेश वगैरह होंगे और फिर डिनर करेंगे। होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड पहली बार मेरे चैनल को विजिट करो और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और यहाँ पर रियाज कर रहा है डिनर, और दीदी इसको बड़े प्यार से खिला रही है, अपने भतीजे को खिला रही है, और ये भी मतलब बहुत इंजॉय कर रहा है रियाज। और जिया जी कुछ काम कर रहे हैं, और दीदी जो है किचन में है, और यहाँ मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ क्योंकि रियाज ने बहुत प्यार, मतलब इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मतलब लग रहा है कितना बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा आज तो फिलहाल, तंग नहीं किया है, नेक्स्ट डे देखती हूँ क्योंकि बच्चे लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कहीं पर। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।